प्रभास साउथ के वो एक्टर हैं जिनकी फिल्मों का इंतजार सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में होता है। और इसका एग्जाम्पल आप उनकी अभी हाल ही में आई फिल्म कल के से तो देख ही रहे हैं, जिसने 1200 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है। और अगर आप अपने जहन में थोड़ी सी और तकल्लुफ देने की कोशिश करें तो आपको याद होगा कि पिछले साल प्रभास की एक फिल्म आई थी सलार पार्ट वन सीज फायर, और इस मूवी के आते ही लोग कभी इसकी तुलना बाहुबली से कर रहे थे तो कभी केजीएफ से। लेकिन कुछ भी कहो पर फिल्म थी बहुत जबरदस्त और प्रभास का इसमें एक्शन तो सच में काबिले तारीफ था। वैसे अब प्रभास के फैंस के लिए एक खुशखबरी है, और वो ये कि अब प्रभास की मोस्ट पॉपुलर फिल्म सालार का 2 पार्ट भी जल्द ही आने वाला है। अगर मैं प्रभास की बात करूं तो उनका नाम इंटरनेशनल पॉपुलर एक्टर की फहरिस्त में दर्ज है, और यही वजह है कि उनकी कोई भी मूवी आते ही एक सैलाब सा आ जाता है। प्रभास की आपको सालार फिल्म तो याद ही होगी जो पिछले साल ही रिलीज हुई थी, लेकिन अब साउथ के सुपरस्टार प्रभास अपनी फिल्म सालार और कल्कि की अपार सफलता के बाद अपनी अपकमिंग फिल्मों में से एक सालार के अगले पार्ट पर काम शुरू करने वाले हैं। और अभी हाल ही में मेकर्स ने बताया है कि एक्टर जल्द ही इस मूवी को अपने फैंस के लिए लाने वाले हैं। अब अगर मैं सालार 2 के स्टारकास्ट की बात करूं तो सालार 2 में प्रभास अपने लीड रोल में नजर आएंगे, जिसमें वो फिर से देव रायसर का रोल प्ले करेंगे। वहीं श्रुति हासन, बॉबी सिम्हा और रामचंद्र राजू भी सालार पार्ट 1 के बाद सालार पार्ट 2 में वापसी करने जा रहे हैं। इसके साथ ही आपको वर्धा राजा के रूप में एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन भी देखने को मिलेंगे, और सालार 1 के डायरेक्टर प्रशांत नील ही सालार 2 को भी डायरेक्ट करने जा रहे हैं। और अगर आप भी अब मेरी तरह इसकी रिलीज के लिए एग्जिक्टेड हैं तो आपको बता दूं, सालार 2 की रिलीज डेट फिलहाल सामने नहीं आई है। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं कि जब फिल्म की शूटिंग हो चुकी है तो सालार 2025 के शुरुआत तक ही सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है।